दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरडीए मैजिक पर। मैं सुजीत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो पर। आज का जो हमारा टॉपिक है फिर उसी तरह से है जो पिछली वीडियो पर हम लोगों ने देखा था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये जो सब्जेक्ट है हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा सेशन है वह वित्त आयोग से रिलेटेड है, यानी फाइनेंस कमीशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये फाइनेंस कमीशन है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, तो आज चलिए हम देखते हैं अपनी इस वीडियो पर। तो बने रहिएगा वीडियो के सभी लोग लास्ट तक, और जो इस वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल 280 यानी 280 में किसके विषय में चर्चा करी गई है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के विषय में चर्चा की गई है। ये भाई वित्त आयोग है क्या, यानी वित्त आयोग जो बताएगा, वित्त आयोग का जो कार्य है पहले हम इस पर देखते हैं। वित्त आयोग का कार्य केंद्र एवं राज्य के बीच करों का बंटवारा कराना है। यानी करों के निर्धारण के लिए या करों के अनुपात के लिए, यानी किसका गठन करना आवश्यक पड़ गया हमें, तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस हैं, जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उस राजस्व को सेंट्रल और स्टेट के बीच में किस रेशियो पर बांटा जाएगा, यानी इस पर चर्चा करने के लिए अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया। ये जो वित्त आयोग है इसका कार्य यही है। यानी जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, इन राज्यों में केंद्र सरकार की रेवेन्यू से कितना प्रतिशत भाग इनके विकास कार्यों के लिए खर्च करने में दिया जाएगा, उसका निर्धारण सब कौन करता है, वित्त आयोग करता है। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है, वित्त आयोग का गठन सर्वप्रथम 1951 में किया गया। 1951 में पहली बार किसका गठन किया गया, 1951 में पहली बार वित्त आयोग का गठन किया गया। ये जो वित्त आयोग, पहला जो वित्त आयोग बना, यानी पहला वित्त आयोग जब बना तो कब बना भाई, पहला वित्त आयोग 1951 में। इस पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा या नहीं मालूम है तो पता कर लीजिए, के सी नियोगी यानी के सी नियोगी जी की अध्यक्षता में पहला वित्त आयोग गठित हुआ। कब हुआ, 1951 में। इसका जो गठन हुआ है, हर बार राष्ट्रपति के द्वारा इनका गठन किया जाता है। यानी वित्त आयोग का जो गठन होता है, वित्त आयोग का गठन किसके माध्यम से होता है, तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से किया जाता है। कहीं भी हमारे संविधान में इनके कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु राष्ट्रपति की सिफारिश पर या राष्ट्रपति की स्वेच्छा से इनका कार्यकाल निर्धारण किया जाता है। तो वित्त आयोग का अभी तक जो कार्यकाल निर्धारण किया जाता है या किया गया है तो 5 वर्ष है। हर पांच साल के लिए किसका गठन किया जाता है, हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी ये जो वित्त आयोग का गठन किया गया या किया जाता है वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इस आयोग का गठन करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाता है कि ये जो आयोग है या जो वित्त आयोग है, ये अपनी सिफारिशें किसको सौंपेगा, यानी जो वित्त आयोग जो सिफारिश करेगा, जो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, यह रिपोर्ट किसको सौंपेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। याद रखना, वित्त आयोग
अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए इनका गठन करता है और यह अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके बाद यह अपनी रिपोर्ट किसको सौंप देते हैं? राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। जितना आप नोट कर लीजिए, साथ साथ मेरे, मैं जो बोल रहा हूं उसको भी नोट करते चलिए और जो मैं लिख रहा हूं उसको भी नोट करते चलिए। तो आपने देखा, ये जो वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट किसको सौंप देता है? अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है। इसके बाद आगे का कार्य आप देखेंगे कि राष्ट्रपति क्या करेंगे। राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। तो आप देखेंगे इसको कि राष्ट्रपति महोदय को जैसे ही सौंपा जाता है तो राष्ट्रपति यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। यह कार्य रहेगा। फिर इसके बाद जो संसद होगी उस पर चर्चा करती है, अपना डिसीजन भी लेती है और वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख करके केंद्र के राजस्व से राज्यों को कितना पैसा या कितना धन आवंटित करना है, कितने प्रतिशत आवंटित करना है, इस पर निर्णय लेती है। तो एक आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये मिल जाता है कि अपनी रिपोर्ट वित्त आयोग किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग का गठन किसके माध्यम से होता है, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। इसके बाद जो पहला वित्त आयोग का गठन किया गया वह कब किया गया? पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, केसी नियोगी जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहा है? तो यहां पर देखेंगे हम वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। इस वित्त आयोग के अध्यक्ष ने क्या सिफारिश करी है? इन्होंने कहा है कि राज्य को 41% धन आवंटित किया जाए और बाकी बचा हुआ केंद्र सरकार के पास रखे। तो इस प्रकार से धन का आवंटन या रेवेन्यू को राज्यों को दिया जाता है और उस वित्त आयोग ने क्या सिफारिश करी है, इससे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, यह संस्था कैसी है अब इस पर चर्चा करेंगे। क्या यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या यह जो संस्था है वित्त आयोग जिसको भी हम पढ़ रहे हैं, क्या संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बेशुमार क्वेश्चन देखे गए हैं। कम से कम जितना आज मैं पढ़ाऊंगा उससे आपको सारे एग्जाम में, चाहे आप जो भी एग्जाम फाइट करें, उसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो भाई अनुच्छेद जो 280 है, आर्टिकल 280 है, ये किसके विषय में बताता है? वित्त आयोग के विषय में। तो वित्त आयोग कैसी संस्था हो गई? आर्टिकल में उल्लेख है यानी संविधान में उल्लेख है। तो वित्त आयोग कैसा हो गया? संवैधानिक निकाय है। ये कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय है व अर्ध न्यायिक निकाय है। इतनी चीजें याद रखना, यह एक संवैधानिक व अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में काम करता है। इसके जो सदस्यों की योग्यता होती है वह संसद निर्धारित करती है। संसद के द्वारा निर्धारित होता है
संसद के द्वारा निर्धारित होता है। याद रखना, इसके सदस्यों की योग्यता किसके द्वारा निर्धारित होती है? इसके सदस्यों की योग्यता जो निर्धारित होती है वह संसद के द्वारा निर्धारित होती है। भारत के संविधान के अंतर्गत संवैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है। इसके जो सदस्य कौन बन सकते हैं, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण संसद करेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम देखते हैं ये जो आयोग है, इस आयोग के सदस्य और अध्यक्ष कितने होते हैं। आयोग के यानी ये वित्त आयोग है, वित्त आयोग में याद रखना एक अध्यक्ष होता है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और चार सदस्य होते हैं। चार या आयोग की संरचना, इसको हेडिंग लगा करके लिख लेना, आयोग की संरचना यानी आयोग की संरचना कैसी होती है, एक अध्यक्ष और चार सदस्य। ये एक सदस्य है, फिर नेक्स्ट है ये एक सदस्य। अब आप देखेंगे कोई भी अध्यक्ष होता है तो वह अगर नहीं कोई ज्यादा से ज्यादा उस विभाग की नॉलेज रखता है, परंतु उसके जो सदस्य होते हैं वह उस विभाग की सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। इनको क्या है, इनको अपनी सिफारिश देनी है, इनको अपना साइन कर देना है, बाकी काम तो बेचारे किनका है, बाकी काम तो सदस्यों का है। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन होंगे, सदस्य होंगे ना। आप देखा करते होंगे जो अधिकारी होता है उसको साइन करनी होती है, बाकी जो सारा काम होता है वो उनके नीचे अधिकारियों के द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो इनके जो अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्ष को सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए। यह योग्यता किसने निर्धारित करी, संसद ने। फिर एक जो इसके सदस्य होते हैं, इस सदस्य को हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्य होना चाहिए। कौन, इसका एक सदस्य। फिर नेक्स्ट सदस्य है इसको वित्त और लेखों का अनुभव होना चाहिए। इनको हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य होना चाहिए। फिर इनके जो तीसरे हैं वो वित्तीय मामलों व उससे जुड़े प्रबंधन का ज्ञान रखते हों, यानी मैनेजमेंट करना इनको आना चाहिए, फाइनेंस से संबंधित वित्तीय मामलों या उससे जुड़े प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए, का ज्ञान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो इनके सदस्य होते हैं, इनको अर्थशास्त्र में महारत हासिल होना चाहिए। अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञान, यहां देख रहे हैं आप, अर्थशास्त्र में इनको क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो हमने देखा इनके जो सदस्य हैं आयोग के कितने होते हैं सदस्य, चार सदस्य होते हैं, एक दो तीन चार सदस्य होते हैं, एक इसका अध्यक्ष होता है। यह आयोग का फॉर्मेशन है या उसकी संरचना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य को समझेंगे। जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का सबसे पहला कार्य तो यही है कि वह केंद्र सरकार की संचित निधि, में से राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाएगा,
या राज्य सरकार की संचित निधि से कितने परसेंट या किस रेशियो में धन का आवंटन किया जाएगा। तो हमने देखा इसके कार्य में पहला कार्य तो यही है, केंद्र सरकार की संचित निधि से, केंद्र सरकार की संचित निधि से, भाई यहां पर एक वर्ड यूज हुआ संचित निधि। संचित निधि में संपूर्ण राजस्व रखा जाता है, यानी राजस्व रखा जाता है। ये जो राजस्व होता है ये भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा भी इकट्ठा होता है, यानी कुछ ऐसे टैक्सेस हैं, ये जो टैक्स हैं जो केंद्र सरकार वसूलती है, यानी केंद्र सरकार वसूलती है, और कुछ टैक्सेस जो राज्य सरकार भी वसूलती है, राज्य सरकार भी वसूलती है कुछ टैक्स को, यानी केंद्र सरकार के द्वारा वसूले गए टैक्स भी संचित निधि में, राज्य सरकार के द्वारा वसूले गए टैक्स भी संचित निधि में रखे जाते हैं। यानी संचित निधि से पैसा कितना राज्यों के खाते में जाएगा या कितना पैसा राज्यों को दिया जाएगा, इसका निर्णय या इसकी सिफारिश करना किसका काम है? वित्त आयोग का। किसका काम है भाई? वित्त आयोग का। इसीलिए तो इसका भाई गठन किया गया है, सीधी सी बात है। यानी कितना पैसा किसको दिया जाएगा। फिर जो इसका कार्य दूसरा होता है, इसका जो दूसरा कार्य है, संघ और राज्यों के बीच करों का निर्धारण, संघ और राज्यों के बीच करों का निर्धारण यह एक इसका कार्य हो गया। यानी कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को रखना है अपने पास और कितना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देना है, इस पर संपूर्ण चर्चा करने का किसका राइट है भाई? इस पर संपूर्ण चर्चा करने का राइट वित्त आयोग को है। फिर है राज्य वित्त आयोग के द्वारा, इसका जो एक नेक्स्ट पॉइंट बनता है, राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश पर, राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश पर संचित निधि से कितना धन पंचायतों और नगर निकायों को आवंटित किया जाएगा। यानी किनको दिया जाएगा? पंचायतों और नगर निकायों को, यानी जो स्थानीय स्वशासन होते हैं, लोकल गवर्नेंस होती है, जो नगर निकायों को दिया जाएगा। यानी पंचायतों के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, नगर निकायों के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, इस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा कौन? राज्य वित्त आयोग। और यह राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंप देगा? केंद्र के वित्त आयोग को। फिर केंद्र का वित्त आयोग यह कहेगा कि हम अपने संचित निधि से कितना पैसा पंचायतों को और नगर निकायों को ऊपर खर्च करें, इस पर एक अपना रिपोर्ट तैयार करके ये उस डिपार्टमेंट को सौंप देता है। इसके बाद ये हमने इसके पूरे कार्य देखे, इसके संरचना देखी, इसके सदस्यों को हमने देखा और इनके सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इस आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया गया है, इस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे और इस आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो यहां से ये टॉपिक यानी आर्टिकल 280 कंप्लीट होता है और लास्ट में एक आर्टिकल जो इसका बचता है 281 बचता है, अनुच्छेद 281 बचता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, यानी राजस्व से कितना धन निकालना है इसकी अनुशंसा करता है। सिर्फ अनुशंसा का वर्णन इसमें किया गया है,
इसकी अनुशंसा करना है। ठीक है, ये आर्टिकल 280 में दिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आज का जो हमारा वित्त आयोग वाला सेशन था ये पूरा कंप्लीट होता है इस वीडियो पर। इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से देखने को मिलेंगे। थैंक यू क्लास।